If y minus 4 root equal to 9, then the value of y. तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, 9 का स्क्वायर 81 है, फिर माइनस 4 को उधर ले जाएं, प्लस 4 85 हो जाएगा. इफ़ माइनस 8 प्लस 5 ए माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, फिर ये माइनस 8 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 25 और ये 5 इधर आ गया, फिर ये 5 इधर डिवाइड कर लें, 30 को 5 से डिवाइड करें, आंसर 6 आ जाएगा. फिर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी इसको 5 की पावर 0 ही ले लो ना यार. 1 को हम ले सकते हैं किसी भी चीज़ के और 0 तो इसका मतलब 2x प्लस 1 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ. फिर यहाँ भी वही बात है, 2 है ये 7 है, उधर ले जाके पहले माइनस कर लो, 6 हो गया यहाँ 2 4x माइनस 3. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 जो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 4x माइनस 3. अब यहाँ डिवाइड हो गया 9 आएगा, 9 में 3 प्लस करो फिर 4 को डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर क्या आएगा 3. 9 प्लस 3 4 ना, 12 डिवाइड बाय 4 3 सही. फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स फॉर विच 5 की पावर एन एक्स ग्रेटर देन 625. तो एक्स अगर 4 होगा तो 625 तो इक्वल होगा 5 से होगा ग्रेटेस्ट, ये पूछा है ना किस वैल्यू से ग्रेटेस्ट. फिर यहाँ देखो 2 की पावर 5 है ठीक है, और यहाँ 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम तो पावर इक्वल 5 वाई इक्वल टू 5 टू सा 10 माइनस 5 वाई. अब ये माइनस इधर आ गया प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी ठीक है. एक और बड़ा अच्छा ऐसा ही सवाल है, 2x4y-4z-3, 3x2y-3z4, ये सॉल्व करने को कह रहे हैं. देखो 2/3 तो वैसे ही रहेगा, ये 2 ऊपर जाके 4 में से माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की आर माइनस 3 है, ऊपर जाके प्लस 3 वाई की आर माइनस 1, जेड प्लस 4 है ऊपर जाके माइनस 7. तो 2/3 एक्स स्क्वायर y नीचे सेट 7, ये फाइनल आंसर होगा. 25 की पावर 4x माइनस 3 इक्वल टू 125 2x प्लस 4. तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4x माइनस 3 इक्वल टू 5 का क्यूब 2x प्लस 4, 8x माइनस 12 इक्वल टू 6x प्लस 12, 12 कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि नहीं ये माइनस 12 है ना, इधर जाके प्लस 12 और ये 6x है, 4x है और ये 2 है, जाहिर है 5 का स्क्वायर तो 2 आ गया और 3 2 से 6 होगा ना, ये चक्कर है. और यहाँ अलबत्त 12 हो गया तो ये 18 हुआ और यहाँ 2x हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. इधर कह रहे हैं इफ़ t की पावर n अपॉन रूट t इक्वल टू टी की पावर 2n देन वैल्यू ऑफ n इज. तो देखो मैथ्स के रूल के तहत ये चीज़ इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस 5.5 डिवाइड बाय टी की पावर हाफ, हाफ का मतलब रूट का मतलब हाफ, 2n अपॉन टी एन, ये n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ टी की पावर n रह गई, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5.5 और माइनस 6, तो टी बेस सेम है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 हो जाएगी.